Hi everyone, and in today's lecture we are going to solve this question of J Advanced 2021, and this is based on emotional EMF. The question is saying a long straight wire carries current 2 ampere. A semicircular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rails of negligible resistance. So ye ek semicircular wire hai जो कि दो पैरेलल रेल्स के ऊपर रखी हुई है, उनका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, और ये एक वायर है जिसमें 2 एम्पीयर करंट है उसके पास रखी हुई है। नाउ द टू एंड्स ऑफ अ सेमीसर्कुलर रॉड आर एट 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, जो गिवन ही है 1 एंड 4। सो रेजिस्टेंस गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, रॉड स्टार्ट मूविंग ऑन द रेल विद स्पीड, रॉड की स्पीड गिवन है ऊपर की तरफ। सो एट टी इक्वल टू 0 कैपेसिटर इज अनचार्ज, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड की मैक्सिमम करंट कितना होगा आर के थ्रू और मैक्सिमम चार्ज कितना होगा सी के थ्रू, तो निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू कि हमें पता है कि अगर कोई भी रॉड या कोई भी आर्क, कोई भी लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, तो अगर इस वायर की वजह से देखेंगे तो यहाँ फील्ड जो आएगी वो क्रॉस आएगी। तो अगर इसकी फील्ड में ये घूम रहा है तो इस घूमने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज गिवन बाय बी डॉट डी एल क्रॉस, तो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस। नाउ वी कैन कैलकुलेट इट कि कितना होगा, और वी नो दैट कि हमें जो यहाँ पे लेंथ लेनी होती है वाली, दैट लेंथ इज जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ होती है उस आर्क में। तो हमें अगर इसमें निकालना है तो हम सिर्फ यहाँ पे ये वाली लेंथ लेंगे इसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए, और उसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ ये वाली लेंथ क्यों लेंगे, तो उसको ड्राइव कर लेते हैं सो दैट कि सबको क्लियर हो जाए। तो हमें करना क्या है, हमें पता है कि इसमें इंड्यूस निकालना है, तो लेट सपोज लेट्स डू वन थिंग, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक सेगमेंट है, इसे डीएल बोल देते हैं। ओके, नाउ मैं बोलता हूँ इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, सो इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, तो ये कुछ डीएक्स होगा और कुछ डीवाई हो गया। तो मैंने एक लेंथ मानी और उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, डीएक्स डीवाई। नाउ मैं लिखता हूँ, सो बी तो पता है आपको, बी इज इक्वल टू बी कुछ माइनस के में ये क्रॉस होगा, डॉट डीएल कुछ डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप क्रॉस, वेलोसिटी आपके पास है वेलोसिटी कुछ, वो भी जे कैप में। नाउ इफ विल विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, सो आई क्रॉस जे जो होता है दैट इज इक्वल टू के, सो डी एक्स वी के कैप प्लस जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे इज जीरो, तो जीरो हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, मैं फिर न्यूज निकल के अगर मॉड ले लो उसका, सो बी अभी डॉट है वी इंटू डी एक्स। तो ये अपने आप बता रहा है आपको कि जो ईएमएफ इंड्यूस है वो डिपेंड कर रहा है खाली और खाली सिर्फ एक्स कंपोनेंट पर, वाई कंपोनेंट की वजह से कुछ नहीं हो रहा। मतलब अगर आप ये सेगमेंट की वजह से देखोगे तो फिर लेंथ ये वाली आएगी, अगर आप ये सेगमेंट देखोगे तो लेंथ ये वाली आएगी। टोटल मिला के अगर आपको नेट निकालना, सो दिस इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेट कर लें बोथ साइड, दिस इज इक्वल टू बी वी इंटू एक्स आ जाएगा। तो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस इन दिस सेगमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इस सेगमेंट की वजह से इंड्यूस होगा जो कि एक्स कंपोनेंट है। नाउ अब निकालना है तो निकालते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वायर है, तो और इसमें मैंने ये रॉड ड्रॉ कर लिया, तो मैंने सिंपली बोला कि इस वायर के बदले आप सिंपली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लेंथ ले लो और उसको मान लो, तो उसमें इंड्यूस जितना इसमें होगा उतना ही होगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट की वजह से होता नहीं, हो जीरो रहता है। अब इसमें इंड्यूस हमें हमको निकालना है, सो वट क्योंकि ये मान लेते हैं कि एक्स दूर एक डिस्टेंस ये डी एक्स है, तो अब यहाँ पे एक लेंथ कंसिडर कर लेते हैं dx। तो अगर मैं इसमें ईएमएफ इंड्यूस लिखूं, सो d इक्वल टू b जो होता है वायर की वजह से, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 2 पाई x, dx इनटू वेलोसिटी तो v है, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट i v बाय 2 पाई dx बाय x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम 1 टू 4, so EMF will be equal to mu naught I V by 2 pi ln, या फिर mu naught I V by pi ln 2। so this is the required EMF induced in this arc, or you can say this जो भी है semicircular arc case में इतना EMF induced होगा। simply we can say कि इसकी direction में निकाल सकते हैं by Fleming right hand rule, तो दो निकल के कुछ ऐसी आ जाएगी, ये
रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आरसी सर्किट, हमको निकालना है पहले मैक्सिमम करंट। सो वी नो दैट कि मैक्सिमम करंट कब होता है, एट टी इक्वल टू जीरो, जब सी क्या होता है, सी इज शॉर्ट सर्किट। तो इस सर्किट में हम सी को कर देते हैं शॉर्ट। तो शॉर्ट होते ही ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस जो करंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। सो ईएमएफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी बाई फाई एल इन टू अपॉन। सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि कितना आएगा ये। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट के लिए होते हैं 4π10 की पावर -7 इंटू आई इज टू वेलोसिटी 3 ln 2 is 0.7 given upon pi and r is 1.4. So if we will solve this, this will equal to 1.2 into 10 to the power minus 6 ampere. So option number A is correct. Now second number find karna hai ki maximum charge kitna hoga circuit pe. So we know that ki jo charge maximum hota hai, Q is maximum pe, wo hota hai bahut time baad at स्टडी स्टेट पे होता है। तो स्टडी स्टेट पे भी नो दैट की जो कैपेसिटर है वो कुछ ओपन की तरह काम करता है। तो इस पे जो चार्ज होगा तो यहाँ करंट तो जीरो होगा क्योंकि स्टडी स्टेट पे करंट जीरो है। तो जितना वोल्टेज है वो सारा ये, यहाँ तो कुछ ड्रॉप ही नहीं होगा रेजिस्टेंस में, यहाँ तो कुछ ड्रॉप ही नहीं है क्योंकि करंट ही नहीं है। तो सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा ई। तो जो मैक्सिमम चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू सी इन टू ई। तो सी की वैल्यू आपको पता है 5 × 10⁻⁶, और ई की पता है आपको, ई इज म्यू नॉट I V by pi ln 2, and if you will put these all values, so you will get the answer, and that is 8.4 × 10⁻¹ cool. Option number C. You can solve it. So this question था, इसमें तो उसमें most important part ये है जो कि पहले भी advance पूछ चुका है कि किसी भी सेगमेंट को आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं और फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल आवर डिस्कशन। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वाचिंग।